हेलो 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 गाइस आई न्यू वीडियो में आप सभी का काफी ज्यादा स्वागत है अब जैसे ही हमें पता लग चुका है कि तो वापस आ और उनके फैंस के भी खड़े पार्ट आखिरकार जब हमारे यूनिवर्स के अंदर मार्वल के यूनिवर्स के अंदर आरडीजे वापस आ रहा है एज डॉक्टर डूम तो अब सब सबसे ज्यादा मेन बात होती है कि जो जो उसके चाहने वाले हैं उन सब के साथ उसकी कन्वर्सेशन कैसे रहेगी देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कन्वर्सेशन रहने वाली है स्पाडमैन के साथ की अपने मेंटोर को तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले चाहे वो सुपर सुपरविलन ही क्यों ना हो तो वहां की बात तो समझो कि जिस व्यक्ति ने स्पैडमैन को इतना सब कुछ सिखाया एमसीयू के अंदर उसका अंकल बैन बना और उसके बाद जब सी मौत हुई उसकी आंखों के सामने हुई और फिर उसको अचानक से ही वो दोबारा से वही शख्स दिखता है लेकिन एक सुपर सुपरविलन के रूप में तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा बहुत ही ज्यादा इमोशनली होगा बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होगा स्पाइडरमैन के लिए क्योंकि आप उस बंदे को दोबारा से लेकर आ रहे होने वर्स के अंदर जो उसका एक बाप के तरीके से मर चुका है और वो जब वो वापस आ रहा है तो पूरी दुनिया को तबाह करने आ रहा है वो पूरी दुनिया को मारने आ रहा है पूरे मार्वल के मल्टीवर्स के सुपर हीरोज का मारने आ रहा है वो डॉक्टर डूम है वो गांड फाड़ देगा स्पाडेमैन की लेकिन स्टिल स्पाइडरमैन के अपने मेंटोर को मारेगा तुम लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने ज़रूर बताना और दूसरी सबसे मेन बात आती है कि आखिरकार डॉक्टर डोम अगर आया है तो वॉन्डा के साथ कुछ ना कुछ तो होगा अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि, कि डॉक्टर डोम वॉन्डा एक दूसरे को पसंद करते हैं कॉमिक के अंदर हमने एक अल्टीन यूनिवर्स के अंदर देखा था कि मार्वल की कॉमिक के अंदर डॉक्टर डोम और वॉन्डा एक दूसरे के साथ थे काफ़ी अलग अलग तरीके से कितना छोटा सा काम करता देखो वोंडा का तो कोई भी दीवाना हो जाएगा लिटरली कोई भी दीवाना हो जाएगा कोई भी लेकिन हमारे डॉक्टर डोम की बात अलग है और उसने वोंडा को इसलिए पसंद किया था कि उसको पसंद नहीं आती आई मीन हॉट तो है वोंडा लेकिन स्टिल उसको पसंद नहीं आती डॉक्टर लोगों को सिर्फ उसकी पावर्स चाहिए थी सुपर पावर्स इसी वजह से उसने उसको पटाया था उसके साथ बहुत कुछ कराओ एंड फाइनली उसको उसकी पावर्स मिल गई यानी डॉक्टर डूम को वोंडा की पावर्स भी मिल गए और ये सब देख के जितने भी एम सी यू के सुबह रोज थे उन सबका चेहरा गॉँड जैसा था देखने लायक इसी बात आती है कि अगर डॉक्टर डूम के बाद चले रही तो हम उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन और सबसे बड़ा ईगो सुजन के बारे में क्यों नहीं बात करते आप सुजन कौन है वो मार्वल के फैंटास्टिक फोर की टीम की मेम्बर है जो गायब हो जाती है और जो मिस्टर फैंटास्टिक की होने वाली बीवी होती है यानी रीड रिचर्ड की और वो भी उसकी डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा विलन उसकी बीवी होती है और डॉक्टर डूम को वही लड़की पसंद आती है क्योंकि वो उसकी मंगेतर भी होती है तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि रीड रिचर को वो पसंद आ जाती है को भी पसंद आ जाता है लेकिन यह बात हमारे डॉक्टर को यानी विक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो पूरा मार्बल का मल्टीवर्स छान देता है सिर्फ उस लड़की के लिए कि क्या पता मल्टीवर्स में उसके जैसे दिखने वाली उसके जैसे नाम की कोई लड़की हो जो उसके प्यार में गिर जाए और जैसी जैसे ही डॉक्टर डोम ने ये कांड किया जो मार्वल के मल्टीवर्स सब 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 की सबसे ज़्यादा खूबसूरत सबसे ज़्यादा हसीन सबसे ज़्यादा पावरफुल लड़की थी उसने खुद आकर विक्टर को यानी डॉक्टर डोम को प्रपोज किया और डॉक्टर डोम ने उसको रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने ज़रूर बताना और सबसे लास्ट बात ये आती है कि आके का मार्वल करना क्या चाह रहा है क्योंकि वो तो मार्वल ने अपने प्लान से इतनी जल्दी बताते थे कि हाँ हम डॉक्टर डोम आर्टिस्ट जो लेकर आ रहे हैं बला ब्ला बुला फक ये फक वो लेकिन क्या आप रेडी हुई इस चीज़ के लिए ठीक है आपने आयरन मैन के कैरेक्टर को एक अच्छा खासा रेडीम दिया अच्छे खासी कहानी दी अच्छा खासा एंड दिया लेकिन क्या उसी एक्टर को लेके आप एक ऐसे कैरेक्टर को लेके आ रहे हो जिस कैरेक्टर का नाम डॉक्टर डोम है और जो और जो सीक्रेट वॉर के अंदर जितने भी मल्टीवर्स और सुपर हीरो की गांड मारेगा उस कैरेक्टर प्ले कौन करने वाला है आयरन मैन और और इसलिए फैंस सोचेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम फैंस ये तो सोचेंगे कि हाँ हमारा आयरन मैन जीतना चाहिए लेकिन स्टिल हमें ये नहीं है कि वो आर मैन एन को जीतना चाहिए लेकिन वो आर मैन नहीं होगा वो आर का डॉक्टर डूम होगा कि अगर वो सिकेट वॉर के अंदर जीत गया तो मार उनके सिनेमेटिक यूनिवर्स का नक्शा बदल जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए और मेरी थोड़ी ये कहती है पर्सनली कि शायद ये वाला जो डॉक्टर डूम है आर डी जे का ये सिर्फ इस मूवी के लिए ही वापस आएगा इस मूवी के अंदर वो डूम्स डे के अंदर एवेंजर डूम्स डे के अंदर अपना जो पूरा प्लान है वो इसको यहाँ पे करने ही वाला होगा तभी जो अवेंजर्स है पूरे अवेंजर्स वो उसको मार देंगे लेकिन जाते जाते वो एक कांड कर जाएगा वो है एमसीयू का जो डॉक्टर डूम होगा रियल वाला डॉक्टर डूम या नॉट आर जी वाला डॉक्टर डूम उसको अपना प्लान बता जाएगा फिर आने वाली हम हाँ अवेंजर्स के अंदर देखे जो हमारे एमसीयू सी का रियल डॉक्टर डूम है वो पूरे सिग्नल वॉल के प्लान को आगे लेके जा रहे हैं आपसे मेरी थोड़ी है तुम लोगों क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ऊपर जरूर बताना वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और ऐसे हमारे डिशेज रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए मूवीज़ और सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब